हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय टू चैनल टेक बाइकर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होगे, बिल्कुल सेफ होगे। तो भाई, ये जो वीडियो है मोस्ट डिमांडिंग वीडियो होने वाली है यूट्यूब पे, ये है अपाचे आरटीआर 310 का माइलेज टेस्ट। और भाई, काफ़ी लोगों को अपाचे में कन्फ्यूज़न है, जो पूछ रहे हैं कि मेरी जो ब्लैक वाली है ना, ये क्विक शिफ्टर वाली है कि नहीं। तो भाई, ये क्विक शिफ्टर वाली है, विदाउट क्विक शिफ्टर में लेता ही नहीं। तो इसमें दो मॉडल आते हैं, एक बेस आता है जिसमें क्विक शिफ्टर नहीं आता है, बट ये जो मेरी वाली है ये 3.2 की पड़ी, इसमें क्विक शिफ्टर आता है। और अब हम चलते हैं टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट करने। और भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को थोड़ा सा शेयर करो। और N160 को बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, टाइमली वीडियो आती रहेंगी। और अगर आपने मेरा दूसरा वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, टेक बाइकर व्लॉग, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो भाई, उस पर भी इससे रिलेटेड वीडियो आएंगी। और इसका हेडलाइट टेस्ट, रिव्यू, कंपेरिजन सब कुछ आने वाला है। बस एक दिन में एक ही वीडियो आ सकती है, तो थोड़ा सा यार वेट कर लिया करो। आज माइलेज टेस्ट है, और अब जल्दी से बाइक पे बैठते हैं, गोप्रो हमारा लगा ही है, और बढ़िया से इसको चला वला के दिखाते हैं। और मैं सोचो एक बार धूप में खड़ी करके आपको 360 व्यू भी दिखा देता हूँ इसका। गैस, ये खड़ी है अपनी अपाचे आरटीआर 310, और भाई ऑनेस्टली एकदम डुकाटी वाला फील देती है। रेड एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और इस पर मॉडिफिकेशन भी बहुत मस्त मस्त आएंगी पूरा, देखो पूजा वगैरह हमने सब करा ली थी, वो तो आप लोगों ने डिलीवरी वाली वीडियो में देख लिया। और रोड 5 टायर, तो भाई मज़ा ही आ जाता है। ये फ्रंट लुक इसका, तो लुक में तो कोई कंप्लेन है ही नहीं भाई। ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप फैन बॉय नहीं हो, बस एज अ लुक वाली चीज़ें देखोगे ना, तो आप खुद कहोगे कि भाई किलर लुक है। इंजन में क्या दिक्कत है, बॉडी में क्या दिक्कत है, मैं उसकी बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा, मैं केवल लुक की बात कर रहा हूँ। जो ये लुक देती है, ज़बरदस्त लुक देती है। अब जल्दी से बाइक पर बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये माइलेज टेस्ट पिलियन के साथ हो रहा है, तो मेरा भाई पीछे बैठा हुआ है, बट गोप्रो लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। पिलियन के साथ इसलिए ना कि भाई पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो भाई फ़ोटो भी तो होनी चाहिए ना अच्छी, तभी तो लोग क्लिक करेंगे। फाइनली गैस पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने का एक और रीज़न है, मुफ्त हवा दिख रहा है, मुफ्त हवा, वो भी नाइट्रोजन वाली। तो मेन रीज़न इस वाले पेट्रोल पंप पे आने का यही था कि आपको मुफ्त हवा मिलेगी, वो भी नाइट्रोजन वाली। और नाइट्रोजन भाई कभी भी आप अपने में डलवाओ ना, रिफ़िल करवाओ, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पहले पूरी हवा टायर से निकलवा लो, उसके बाद ही कभी नाइट्रोजन डलवाना, तो ये चीज़ बहुत सही रहती है। अब यहाँ पे है भाई, हमें खाली पेट्रोल पंप मिल गया है, और अभी मीटर भी चेक करा दूंगा, अनकट रखूंगा वीडियो। भैया फुल कर देना, फुल यहाँ तक फुल कराएंगे, फुल 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 जितना आ जाए। अभी मीटर वगैरह सब चेक कर दूंगा, फुल करा लेता हूँ यहाँ तक। देखो आप लोग, ये जो डंडा है यहाँ तक, इनको समझा दूँ पहले। भैया एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो डंडा है ना अंदर, यहीं तक भरना बस। भाई यहाँ तो पेट्रोल भरने में दिक्कत है। हाँ, उसके अंदर जाएगा भी नहीं, भर दो। बस भाई, तो आप लोग देख लो, एकदम डंडे तक पेट्रोल है, यहीं तक फिर से रिफिल होगा। बस 400, तो ये हो गया 400 का, थोड़ा सा ऊपर तक आ चुका है। और अब मैं इसको जरा साइड कर लेता हूँ, पेमेंट करता हूँ, फिर ऑन करता हूँ मैं कैमरा। सो भाई देखो, मेन चीज़ यहाँ पे आने का था कि मुझको डलवानी है नाइट्रोजन, ठीक है। अब उससे पहले आपको मैं पूरा किलोमीटर वगैरह सब कुछ चेक करवा देता हूँ, एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही हो तो भाई उसके लिए सॉरी। पहले आपको मीटर चेक कराता हूँ, और इससे नहीं हो रहा तो फ़ोन में भी ले लेता हूँ मैं, ये वीडियो शूट कर लेता हूँ, वैसे हो रहा है कैमरे से। अब आप लोग ध्यान दो, मेन ऑडोमीटर पर जो रीडिंग है वो 60 किलोमीटर की है। उसके बाद अब मैं यहाँ से एंटर करता हूँ, और ट्रिप डिटेल्स इसमें जाता हूँ, ट्रिप बी याद रखना, ट्रिप बी इसको थोड़ा बहुत उसमें जो भी चला है रीसेट कर देता हूँ मैं। ये देखो ट्रिप बी हो गई 0, तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ से आता हूँ मैं बैक, टोटल जो मेरी बाइक चली है वो आप लोग देख लो 60 चली है, रेंज 204 दिखा रहा है कि नई अपाचे आरटीआर 310 क्या माइलेज देती है। और आप लोग वीडियो पे बने रहना भाई, अभी 60 है,
देख लो, ट्रिप वगैरह सब चेक करा दूंगा, सब नोट कर लेना। टाइम वगैरह जो भी है ना भाई, ये गलत है। टाइम अभी शोरूम को भी चेक करने नहीं आया था, सेट करने, सॉरी चेक करने बोल रहा हूँ, और मुझे भी नहीं। ये देखो झटके ले रही है बाइक, ये यार पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें। प्रॉब्लम्स की वीडियो आएगी भाई, प्रॉब्लम्स की वीडियो आएगी, इसमें कुछ दिक्कतें हैं बाइक में, वो आगे चल के बताएंगे। और मेन चीज़ ये देखो भाई, माइलेज टेस्ट जो भी हो रहा है ये ट्रैफिक में भी होगा, हाईवे वगैरह पे नहीं करूँगा मैं इसको, ट्रैफिक में ही चला के माइलेज टेस्ट करूँगा। 300 किलोमीटर के आसपास चलाऊँगा तभी इसका अच्छे से माइलेज टेस्ट पता चलेगा, जब ट्रैफिक में चलेगी। और मे बी फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ा सा बढ़ जाता है माइलेज, मे बी श्योर न्यू। ओके 61 हो गया, देखो भाई गलत नहीं है, ये चल रहा है 61 किलोमीटर हो गया, ठीक है। फाइनली गाइस हमारी जो बाइक है वो 5 किलोमीटर कंप्लीट कर चुकी है, और अब देखो ट्रैफिक, अब इसमें देखना कितना मस्त वाला ट्रैफिक लगा है। आई होप आपको दिख रहा हो, मतलब ट्रैफिक इन द सेंस कि सिग्नल पे रुके हैं। तो भाई अब इसमें रेंग रेंग के चलाना है, मुझे लग रहा है दो बार सिग्नल खुलेगा बंद होगा, दूसरी बार में हम लोग निकल पाएंगे। तो भाई देखो ट्रैफिक में चला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हाईवे पे ही चला रहे हो, हाईवे तो कब का छोड़ा है यार, अभी तक तो कोई हाईवे भी नहीं है। सो भाई 67 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। भाई आप लोग एक बार देख लो जो बाइक है, 72 मतलब 12 किलोमीटर तक चल चुकी है, और ऐसे ही ट्रैफिक वाले एरिया में मैं इसको चला रहा हूँ। अभी मैं हूँ चारबाग, जहाँ पे रेलवे स्टेशन है, तो वहीं पे हूँ मैं, तो आप लोग समझ सकते हो कि कैसा ट्रैफिक होगा। देख रहे हो पूरा ऐसी ट्रैफिक है, रुक रुक के ही चलना है। सो फाइनली गाइस 80 किलोमीटर इस पे सो रहा है, मतलब 20 किलोमीटर हमारी बाइक चल चुकी है, आप लोगों ने देखा। और टेस्टिंग देखो ऐसी गलियों में कर रहे हैं, एकदम मतलब तगड़ी वाली टेस्टिंग कि कितना कम माइलेज निकाल लें इससे, उसी टाइप का हम लोग कुछ कर रहे हैं। कभी ले चलेंगे इसको नॉर्मल एक बढ़िया से हाईवे, जहाँ पे ज़्यादा भगाएंगे नहीं, एक नॉर्मल वैसे भी टेस्टिंग करेंगे भाई। अब तो अपनी है यार, अब तो इस पे वीडियोस आते रहेंगे, बस आप लोग बोर मत हो जाना मेन चीज़ तो ये है। तो अभी 80 किलोमीटर चल चुकी है, चलाते हैं इसको 35 किलोमीटर के आसपास तक सोचा हूँ चलाऊँ, तो एक आइडिया हो जाएगा 30-35 इसी के पास, इससे ज़्यादा चलाने का कोई वो नहीं है, एक आइडिया ही तो चाहिए अभी हमें। 35 तक कोशिश करता हूँ, बाकी ऐसी गलियों में चला रहा हूँ, फोर्थ गियर लगा हुआ है, धीरे धीरे चल रहे हैं, देख लो। सो फाइनली गाइस जो हमारी बाइक है 90 किलोमीटर तक चल चुकी है, और यहाँ पे क्या ही है भाई, दोनों साइड बस भीड़ भाड़, वाह भाई पैसे वाली बातचीत है यहाँ पे। तो 90 किलोमीटर मतलब 90 नहीं 30 किलोमीटर, 60 से स्टार्ट किया था हमने, और जब पेट्रोल डलाएंगे तब एक एक चीज़ चेक करा देंगे, डोंट वरी, अभी आप 90 चेक करो। और कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की हैं बाइक के बारे में, और एक चीज़ अभी क्लियर कर दूँ भाई, झटके ले रही है कहीं कहीं पे, और ये क्या है, कैसे है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये नेक्स्ट वीडियो जो प्रॉब्लम वाली बनाऊंगा उसमें मैं सर्विस सेंटर पे ले जाके इसको दिखाऊंगा, उसमें सब कुछ बता दूंगा भाई। इसमें उसको साइड करते हैं, बस हल्का सा मैंने आपको हिंट दे दिया, मतलब बता दिया कि दिक्कतें हैं। 90 किलोमीटर चलाया लगातार, 30 किलोमीटर चला के कुछ तो आइडिया लग ही चुका है। तो 30 किलोमीटर हो गया है, अब चलते हैं पेट्रोल डलवा लेते हैं, तब तक वहाँ तक 31-32 हो ही जाएगा। पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं, और देखो अभी कितना चला है वो मैं दिखा दूँगा, इस डंडे ही तक भरना भी है बस। हाँ मीटर जीरो है, जब बोलूँगा तब रोक देना भैया, और बस 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 सही है, इतना ही था। 86 का आया है। नहीं, कम है तो भर दो, भैया ने बोला भैया कम है तो थोड़ा सा और भर देते हैं, चलो बस। और याद है ना कहाँ तक भरे थे? हाँ, पक्का ऐसा तो नहीं पैसा बढ़ाने के जुगाड़ में हो? नहीं आपका डूबा रहा। अच्छा डूबा था, चलो भाई इनको याद है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। बस ये रहा। 93 का पेट्रोल आया है, और 93 का पेट्रोल आया है, आगे सब कुछ आप लोग को मैं अभी चेक करा दूंगा। लो चेंज है कि ऑनलाइन कर दें? ऑनलाइन कर दें, तो साइड लगा लेके कर दें। सो भाई अभी साइड लगा लेते हैं, फिर आपको एक एक चीज़ चेक कराता हूँ। पेट्रोल आया है 93 का, ठीक 93, और 1 लीटर से हल्का सा कम है, ठीक। अब मैंने इसको लगा लिया साइड में, इसको कर देता हूँ बंद, वीडियो चल रही है अनकट, और अब थोड़ा सा वीडियो को करता हूँ क्लोज। क्लोज करने से पहले आपको एक बार मीटर चेक करा देता हूँ मैं,
जल्दी से आप लोग मीटर देख लो, ये चली है 91 ये ओडो। अभी बाकी चीजें चेक कराता हूँ पैसे देके। सो भाई आप लोगों ने देख लिया, एक लीटर से हल्का सा कम पेट्रोल पड़ा था, एकदम नाम मत कम पड़ा था, ठीक है। और एक लीटर ही लगभग पड़ा है पेट्रोल, ये मान के चलो आप लोग। ओडो पे दिखा रहा है 91 जो 60 पे था। अब चेक करता हूँ मैं, यहाँ से मैंने दबाया एंटर, ठीक है। अब ये गए ट्रिप डिटेल, एंटर ट्रिप बी, याद है ना आप लोग को, ये रही ट्रिप बी। इस पे 34 का शो कर रहा है, 29 चली है। और तो भाई 34 शो कर रहा है और 29 चली है, और एक लीटर से हल्का सा पेट्रोल कम था और इसमें भी 8 हो चुका है, तो मतलब अप्रॉक्स 30 तो ये चली चुकी है क्योंकि बस 200 मीटर बाकी है, ठीक। और आपका थोड़ा सा पेट्रोल कम था, तो भाई मोटा मोटा मान के चलो आराम से 31-32 का इसने माइलेज दिया है। इस पर थोड़ा सा ज़्यादा शो कर रहा है 34, लेकिन 32 आराम से इसने माइलेज दिया। अब सामने आके वीडियो को एंड करता हूँ, बाकी सब चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं, पेट्रोल कितना पड़ा था सब दिखा दिया मैंने आपको। सो फाइनली गाइस पूरा अच्छे से माइलेज टेस्ट कर लिया है और काफ़ी मज़ा आ गई भाई, मतलब जो माइलेज निकल के आराम से 31-32 आप लोगों ने देख लिया एकदम अच्छे से, एकदम फेयर था। ट्रैफिक पे भी चलाया मैंने और पिलियन के साथ चलाया, तो भाई अगर 300 सीसी की बाइक बिना फर्स्ट सर्विस के, अभी मान के चलो 100 किलोमीटर भी इसने कंप्लीट नहीं की, 91 टोटल चली है, उस हिसाब से अगर ये 32-31 माइलेज दे दिए ना, तो भाई मज़ा आ गया ऑनेस्टली, एकदम पैसे वसूल वाली चीज़ हो गई। कि मुझे याद है मेरी ड्यूक 250 भी इतना नहीं देती थी, इतना ही देती थी मान के चलो, लेकिन भाई ऑनेस्टली इतना अच्छा माइलेज दिया ना कि मैं तो भाई बहुत खुश हूँ। आप लोग को बताओ आप लोग को ये माइलेज कैसे लगा। और एक बार हम काफ़ी अच्छी सी लोकेशन पे आए हैं, तो एक बार ना इसका थोड़ा सा व्यू देख लो आप लोग बाइक का पूरा, मतलब क्या प्यारी लग रही है यार, मतलब ऑनेस्टली बताओ इतनी सुंदर लग रही है ना कि मतलब जो प्रॉब्लम आ रही है ना इसको देखने के बाद वो सब प्रॉब्लम इंसान भूल जा रहा है, मैं तो बिल्कुल भूल जा रहा हूँ, बाकियों का पता नहीं। जो डिज़ाइन है इस बाइक का एकदम नेक्स्ट लेवल का है, डुकाटी वाला, मिनी डुकाटी वाला फील देती है, कहीं भी लेके जाओ तो लोग एक बार पलट के जरूर देखते हैं। तो मैं तो भाई एकदम पूरा सेटिस्फाई हूँ बाइक से और टेस्ट करके काफ़ी मज़ा आया। और आप लोग को भी वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी को पता है क्या करना है, वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को दबा के शेयर करना, और कोशिश करेंगे रोज एक इसकी या N160 की वीडियो आती रहे, और बीच में हमारी वरना की भी वीडियो आएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस।